सड़क हादसे में घायल हुए कांग्रेस नेता मानवेंद्र सिंह और उनके बेटे की हालत में लगातार सुधार हो रहा है। फिलहाल दोनों का ही इलाज गुरुग्राम के अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में मानवेंद्र सिंह की पत्नी चित्रा सिंह का निधन हो गया था। दिवंगत चित्रा सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए शुक्रवार को प्रदेश की दो बार की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे जोधपुर पहुंची, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। फिर राजे वहां से मानवेंद्र सिंह के घर के लिए रवाना हो गई। आपको बता दें कि 30 जनवरी को पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे और कांग्रेस के बाड़मेर से पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह की कार का अलवर के पास से गुजरने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में मानवेंद्र सिंह की पत्नी चित्रा सिंह की मौत हो गई। वहीं हादसे में पूर्व सांसद और उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मानवेंद्र सिंह और उनका परिवार दिल्ली से जयपुर जा रहा था। घटना का एक सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से गाड़ी अनियंत्रित होकर हाईवे के बीच में बने डिवाइडर से जा टकराई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर की आंख लगने की वजह से हादसा हुआ। अगर सीसीटीवी फुटेज पर भी नजर डालें तो नजर आएगा कि मानवेंद्र सिंह की कार अचानक ही सड़क से नीचे उतरी और परिवार हादसे का शिकार हो गया। जिस तरह गाड़ी सड़क से नीचे उतर रही है, उससे तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद ड्राइवर की आंख लगने की वजह से ये हादसा हुआ, क्योंकि गाड़ी के आगे पीछे से कोई और वाहन इस तरफ आता नहीं दिखाई दे रहा, जिससे कि कार अनियंत्रित हो जाए। बहरहाल वजह जो भी रही हो, जांच के बाद ही सामने आएगी। लेकिन इस हादसे में मानवेंद्र के परिवार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि मानवेंद्र खुद और उनका बेटा तो गंभीर रूप से घायल हुआ, जबकि उनकी पत्नी की हादसे में मौत हो गई। आपको बता दें कि मानवेंद्र सिंह जसोल पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे हैं। वो लंबे समय तक बीजेपी में रहे थे, लेकिन 2018 में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। मानवेंद्र सिंह बाड़मेर से सांसद रह चुके हैं।